गोत्र का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी जड़ें इंसान की घुमक्कड़ अवस्था यानी सभ्यता शुरू होने के पहले के वक्त के टोटेम और टैबू तक जाती हैं। गोत्र का सबसे पहला जिक्र सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में आता है, पर उसकी कई ऋचाओं में गोत्र का मतलब वह नहीं जो आज है। गोत्र यानी गायों की रक्षा के लिए बनाया गया एक बाड़ा होता है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का एक दूसरा मतलब पहाड़ की ऊंची चोटी भी होती है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में युवा स्त्रियों के समूह को जनी और पुरुषों के समूह को जन कहा गया है, और इन दोनों के समागम से उत्पन्न जीवों को जात मतलब संतान का नाम दिया गया है। लेकिन आज जात का सीधा मतलब जाति से जुड़ गया है। इसी तरह संस्कृत के धर्म ग्रंथों में बार बार आए गोत्र शब्द के मायने भी भारत में लगातार बदलते रहे हैं। ऋषि पतंजलि के अनुसार मूल गोत्र सिर्फ 8 ही होते हैं, और वे सप्त ऋषियों से उपजे हैं, जिनके साथ मुनि अगस्त का नाम भी जोड़ दिया गया है। विश्वामित्र, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और अगस्त्य मूल गोत्रों के नाम हैं। कालांतर में आबादी बढ़ी, जातियों की उपजातियां बनी, तो कई नए नकोर गोत्र भी निकल आए। व्याकरणाचार्य पाणिनि ने कहा है, उनके समय में 3 करोड़ गोत्रों की तादाद थी। एक रोचक बात यह भी है कि हरिवंश और महाभारत दोनों में मातृनाम ही बच्चे की पहचान है। प्रजापति की संतानों के जितने नाम हैं सब माताओं के नाम से ही बने हैं। इस तरह दैत्यगण अपनी माँ दीति के नाम से, मरुत अपनी माता मरुमति के नाम से बताए गए हैं। लिहाजा मारुति नंदन हनुमान के गोत्र पर आज के अर्थ में की जा रही सारी की सारी बहस बेबुनियाद है। हम सामान्य जनों के बीच गोत्र को आज का पितृ सत्तात्मक समाज मोटे तौर से पति से अपनी पत्नी तथा बच्चों को दिया जाने वाला बताता है। पुत्र का गोत्र आजीवन पिता का ही रहता है, पर बेटी का गोत्र शादी के बाद पति के गोत्र में तब्दील हो जाता है। यह हमेशा ऐसा नहीं था। वजह यह कि मूल 8 गोत्र चलाने वाले सभी ऋषियों के पिता अज्ञात हैं, और वे पिता के नाम से नहीं बल्कि अपनी माता के नाम से जाने गए हैं। जैसे गौतमी के पुत्र गौतम, वशिष्ठी के वशिष्ठ, काश्यपी के कश्यप हुए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बार बार पांडव नहीं कौंतेय यानी कुंती का बेटा ही कहते हैं। गोत्र का पहला जिक्र सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में आता है, पर उसकी कई ऋचाओं में गोत्र का मतलब वह नहीं है जो आज है। गोत्र यानी गायों की रक्षा के लिए बनाया गया बाड़ा होता है। कृषि प्रधान इस युग में पशु खासकर गायें अनमोल संपत्ति हैं। दूसरी बड़ी नेमत थी बारिश, इसलिए ऋग्वेद में गोत्र शब्द का एक दूसरा मतलब पहाड़ की ऊंची चोटी भी होता है, जो वर्षा जल से भरे बादलों को अपने पास रोक कर रखती है। उसके बाद ब्राह्मणों के गोत्र में बढ़ोतरी हुई, फिर क्षत्रियों का गोत्र आया, और आखिर में जाटों का गोत्र भी बढ़ने लगा। आज तक कृत्रिम बुद्धि और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से मानव मन और भ्रूण के आनुवंशिक गुण सूत्र तक हर किसी को वैज्ञानिक मनमाने ढंग से बदलने की तकनीकें ईजाद कर चुके हैं। आने वाले वक्त में गोत्र का यह जटिल सवाल समाज, राजनीति या व्यापार विपणन में बुद्धिमान लोगों के लिए कितना तार्किक महत्व या आकर्षण रखेगा सोचने का विषय है। जरूरी है कि हमें जैसा वह मिला है उस इतिहास से बाहर निकलें, और आध्यात्मिक के चश्मे की बजाय अपने इतिहास के असली उतार चढ़ाव, भाषा निर्मित और शक्ति समीकरणों को देखना परखना शुरू करें।